सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप आते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों चाहे आप मरीज हो, नर्सिंग स्टाफ हो या जनरल प्रैक्टिशनर हो, आप सभी ने कभी न कभी बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन का प्रयोग जरूर से लिया होगा, जो 2 ml की पैकिंग में आता है और आप सभी इसे पॉलीबियन इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। यह इंजेक्शन वह इंजेक्शन है जिसे हम ड्रिप में, ग्लूकोज बोतल में, जैसे कि NS, RL, DNS तथा D5 में मिक्स कर सकते हैं और इसे ड्रिप में मिक्स करने के बाद ड्रिप का जो कलर है येलो पीला हो जाता है। इस इंजेक्शन को आप में से कई दोस्त ताकत का इंजेक्शन भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी पॉलीबियन इंजेक्शन, जिसे हम बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन कहते हैं, के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। जैसे कि पॉलीबियन इंजेक्शन का क्या कंपोजिशन है, क्या स्ट्रेंथ इसमें अवेलेबल रहती है, कितने रुपये में मार्केट में आपको मिल जाता है, क्या क्या यूज़ होते हैं, पूरे विस्तार से जानेंगे। साइड इफेक्ट, किस तरह से इसको लगाना चाहिए, किस किस रूट से लगा सकते हैं और कुछ इसके बारे में सावधानियाँ, ये सभी बातें इस वीडियो में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे संपूर्ण जानकारी आपको पॉलीबियन इंजेक्शन के बारे में मिल सके। साथ ही वीडियो को अभी से लाइक करें और चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स, जिसे आप सभी पॉलीबियन इंजेक्शन के नाम से जानते हैं और ये इंजेक्शन की ब्रांड नेम है जिसे मर्क लिमिटेड कंपनी बनाती है। अगर पॉलीबियन इंजेक्शन के कंपोजिशन की बात की जाए, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट मिले गए होते हैं और कितनी कितनी स्ट्रेंथ मिलाए गए होते हैं, तो यह बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन है तो इसलिए इसमें विटामिन B1, जिसे हम थायमिन इंजेक्ट कहते हैं, ये 10 mg ऐड किया गया होता है। विटामिन B2, जिसे रिबोफ्लाविन कहा जाता है, 4 mg। विटामिन B3, जैसे नियासिनामाइड कहते हैं, 40 mg, 40 mg। विटामिन B5, D-panthenol, जो कि 6 mg। विटामिन B6, जैसे आप पायरिडोक्सिन कहते हैं, ये 4 mg। तथा विटामिन B12, मिथाइल कोबालामिन, जिसे साइनोकोबालामिन भी कहते हैं, 8 μg की स्ट्रेंथ में मिलाया गया होता है। ये इसका कंपोजिशन तथा स्ट्रेंथ है, जिसे मैं स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ, आप आसानी से देख सकते हैं। और यह जो स्ट्रेंथ है पर 1 ml की स्ट्रेंथ में है और जो सामान्यतः एम्पुल अवेलेबल है वो 2 ml का होता है। इसकी जस्ट डबल स्ट्रेंथ 2 ml की एम्पुल में अवेलेबल हो जाती है। अगर इसके प्राइस की बात की जाए, कितने रुपए में मिल जाता है, तो जैसा कि मैंने बताया, ये 2 ml के एम्पुल पैकिंग में आता है और अगर इसकी स्ट्रिप लेते हैं तो उसमें 5 ampule आते हैं। जब इसकी स्ट्रिप खरीदेंगे तो लगभग 30 rupees MRP की एक स्ट्रिप रहेगी, जिसमें 5 ampule आपको मिल जाएंगे। और अगर आप इसको सिंगल एम्पुल खरीदते हैं तो 5 से 6 rupees में आपको ये एम्पुल मिल जाता है। पॉलीबियन इंजेक्शन सामान्यतः दिखने में येलो कलर का एम्पुल होता है और साथ ही इसको सब्स्टिट्यूशन है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन मार्केट में नहीं अवेलेबल है, इसलिए कई बार डॉक्टर इसकी जगह मल्टी विटामिन, जो MVI इंजेक्शन है, उसको भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो 10 ml की पैकिंग में आता है तो उसको कुछ डोज एडजस्ट करके यूज़ लेना होता है, एज इट इज़ यूज़ नहीं ले सकते। पॉलीबियन इंजेक्शन की अगर यूज़ की बात की जाए, किन किन बीमारी में इसका प्रयोग लिया जाता है, किन किन कंडीशन में इसका प्रयोग लिया जाता है, तो जैसा कि ये बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन है तो इसका जो मुख्यतः प्रयोग है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो कमी होती है, जो डेफिशिएंसी होती है, उनको दूर करने के लिए, उन समस्याओं को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति में विटामिन B1 थायमिन की डेफिशिएंसी हो गई हो, कमी हो गई हो, जिस कारण से व्यक्ति को कमजोरी लग रही हो, लिम्ब्स में उसको दर्द हो रहा हो, साथ ही भूख बहुत कम लग रही हो या पाचन उसकी क्रिया कम हो गई हो, इसके अलावा जब विटामिन B2 तथा B3 की कमी हो जाती है तो मुख्यतः मुँह में छाले होने की समस्या होती है। विटामिन B12, जिसे मिथाइल कोबालामिन या साइनोकोबालामिन कहते हैं, उसकी कमी से हमारी जो नर्व से उसमें नंबनेस, सूनापन रहता है, दर्द होता है, ऐंठन आ जाती है, तो इस तरह से जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इनके जो कमी हो जाती है, जो डेफिशिएंसी हो जाती है, और डेफिशिएंसी के कारण जो प्रॉब्लम्स होती है उनको दूर करने के लिए पॉलीबियन इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति है जिसको बहुत ही ज़्यादा थकान आती है, कमजोरी होती है, कमजोरी होने के कारण उसके चक्कर भी आती है और कई बार नीचे बैठकर उठने में उसको आँखों के आगे अंधेरा हो जाता है, तो उस स्थिति में भी यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। कोई पेशेंट है जिसको एनीमिया है, मतलब खून की जिसके शरीर में कमी है, हीमोग्लोबिन तथा RBC उसके कम हो गई हो और उस कारण से उसे बार बार चक्कर आ रहा हो, थकान और कमजोरी रह रही हो, तब भी पॉलीबियन इंजेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति है जिसको दस्त लग रही हो, डायरिया हो रहा हो, तब भी ये इंजेक्शन दिया जाता है। कोई पेशेंट है जिसको डिहाइड्रेशन हो गया हो, चाहे वो दस्त के कारण हो, पानी कम पीने के कारण हो, या किसी भी कारण हो, उस समय हम ड्रिप लगाते हैं, तो ड्रिप में भी जो इंजेक्शन है पॉलीबियन, ये लगाया जाता है, जिससे कि जो उसकी विटामिन की कमी हुई है, पानी बहुत ज़्यादा शरीर के बाहर निकलने के कारण, तो उसको भी लेवल में
लाया जा सके। पॉलीबियन इंजेक्शन का प्रयोग किसी व्यक्ति को अगर करंट आ जाए और करंट के बाद में उसको बहुत ज़्यादा शरीर में कमजोरी फील होती है तो उसको रिकवर करने के लिए भी किया जाता है। किसी पेशेंट को सीजर, कन्वल्सन, मतलब दौरे अगर आ रहे हों तो दौरे के कारण जब शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है उसको कंप्लीट करने के लिए भी इंजेक्शन दिया जाता है। कोई पेशेंट है जो कि लंबे समय तक बुखार से पीड़ित रहा है, काफ़ी लंबे समय तक उसको बुखार आया है जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई, हालांकि बुखार उसका उतर गया है, वो बीमारी उसकी ठीक हो गई, लेकिन शरीर में उसको कमजोरी महसूस हो रही है, थकान सी महसूस हो रही है, तब भी यह इंजेक्शन पॉलीबियन काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा शरीर में कभी भी मसल्स में पेन हो रहा हो, जो पेन किलर से ठीक नहीं हो रहा हो, तब भी पॉलीबियन इंजेक्शन दिया जाता है। तो दोस्तों ये ज़्यादातर जो यूज़ लिए जाते हैं मैंने बता दिया है, और हो सकता है जो यूज़ है इसके अलावा भी किसी अन्य बीमारी में, किसी अन्य कंडीशन में डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस इसका प्रयोग ले तो वो ले सकते हैं। दोस्तों इसकी यूज़ को पूरी डिटेल में जानने के बाद यदि बात की जाए इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट क्या क्या है, तो जो पॉलीबियन इंजेक्शन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन है, सामान्यतः इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं देखे गए। फिर भी यदि किसी व्यक्ति को साइड इफेक्ट होते हैं तो मुख्यतः उसमें एलर्जिक रिएक्शन व्यक्ति को हो सकती है, मतलब पूरे शरीर पर फफोले होना, रेडनेस होना, खुजली होना या रेसेस हो जाना, ये सामान्यतः होती है। इसके अलावा पूरी बॉडी में सूजन आ जाना जिसे हम एडिमा कहते हैं, साथ ही शरीर में श्वास लेने में उसको दिक्कत होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, धड़कन का बढ़ जाना, व्यक्ति को शरीर में गर्मी महसूस होना, डिजीनेस मतलब घबराहट होना, ये कुछ समस्याएं देखी गई और हो सकता है जो मैंने साइड इफेक्ट बताएं। इसके अलावा कई अन्य साइड इफेक्ट आपको देखने के लिए मिले, यदि ऐसा हो तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिले जिससे कि यह इंजेक्शन आपको लगाना बंद करें और फ्यूचर में कोई दूसरा इंजेक्शन लगाएं, पर्टिकुलर इलाज आपको दे पाएं। दोस्तों एक नोट बताना चाहूँगा, क्वेश्चन बताना चाहूँगा, जब भी आप पॉलीबियन इंजेक्शन को लगाते हैं या आप लगवाते हैं पेशेंट है, तो इस इंजेक्शन को लगाने के बाद में कुछ समय बाद में आपको जो आपके पेशाब का कलर है बहुत ही येलो महसूस होगा, पीले कलर की पेशाब आएगी, पसीने में आपके बदबू आ सकती है, मुंह में आपके बदबू आ सकती है, साथ ही जो स्टूल में एक्सेस बदबू आएगी। यदि ऐसा हो तो आप बिल्कुल ही नहीं घबराएं, क्योंकि ये बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन है, जब भी बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन लगाया जाता है तब ये तीनों प्रॉब्लम्स होती है, पेशाब येलो आना, पसीने में बदबू आना, स्टूल का एक्सेस बदबू देना, ये प्रॉब्लम्स होती है, तो इनसे आप नहीं घबराएं, कुछ समय बाद में अपना आप ठीक हो जाती है और बिल्कुल नॉर्मल प्रॉब्लम्स, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं इस इंजेक्शन को किस तरह से लगाया जाता है, हाउ टू इंजेक्ट। पॉलीबियन इंजेक्शन आईवी इंट्रावीनस तथा आईएम इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से लगाया जा सकता है। जब इसको आईवी रूट से लगाया जाएगा तो उस समय इस इंजेक्शन को बहुत ही स्लो लगाया जाएगा, फास्ट नहीं लगाया जाता, साथ ही आईएम लगाने पर इसको कुल्ले पर बुटोक में लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को सामान्यतः आप सभी ने देखा होगा कि जो ड्रिप होती 500 ml की उसमें डाइल्यूट करके लगाते हैं, जो कम से कम 20 मिनट उसको खत्म होने में लगने चाहिए, और 20 मिनट से ज़्यादा लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कई बार अगर व्यक्ति को इतने फ्लूइड की आवश्यकता नहीं हो और आपको आईवी पोस्ट करना हो तो उसे 10 ml या 20 ml में भी डाइल्यूट करके लगा सकते हैं, लेकिन उस समय इसको बहुत ही स्लो देना होता है। थोड़ा फास्ट देने पर व्यक्ति को शरीर में गर्मी महसूस हो सकती है, उसको श्वास लेने में दिक्कत आ सकती है, साथ ही नोजी वोमिटिंग हो सकती है, क्योंकि जब इस इंजेक्शन को लगाते हैं तो उसके गले में बी कॉम्प्लेक्स की स्मेल आ सकती है, तो यह समस्या उसको हो सकती है। और यह इंजेक्शन छोटे बच्चे से लगाकर बुजुर्ग आदमी सभी में लगाया जा सकता है, परंतु जो इन्फेंट्स होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनको, जो प्री मैच्योर इन्फेंट्स हैं, इन दोनों को इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें। प्रेग्नेंट वुमन या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उन्हें भी इंजेक्शन लगाया जा सकता है, परंतु कोई पेशेंट है जिसको लीवर डिजीज़ है या किडनी डिजीज़ है, उन्हें ये डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन या बिना डॉक्टर की सलाह यूज़ नहीं लेना चाहिए। इस इंजेक्शन का अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो सामान्यतः एक या दो इंजेक्शन ही लगते हैं, उनसे पेशेंट को इम्प्रूवमेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी कई बार 5 दिन से लगाकर 7 दिन, दिन में एक बार या ज़्यादा आवश्यकता हो तो दिन में 2 बार भी लगाया जाता है। और जब आपको ये इंजेक्शन लगे तो पर्टिकुलर जो टाइम आपको डॉक्टर ने दिया उसी टाइम इसको जाके लगाएं, ऐसा नहीं कि उसको आप स्किप कर दें, स्किप करने पर इसका जो इफेक्ट है उतना अच्छा आपको नहीं मिलता है। और इस इंजेक्शन को सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस पे ही लगाएं, डॉक्टर के सुपरविजन या नर्सिंग स्टाफ के सुपरविजन में ही लगाएं, क्योंकि आपको कुछ प्रॉब्लम करे तो हाथों हाथ आपको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका रहा इसको किस तरह से लगाते हैं और थोड़ी बहुत क्या सावधानी को रखनी होती है। इसके साथ ही मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पॉलीबियन इंजेक्शन के बारे में आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिली होगी और वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर से इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न आउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब करें, जो पास में बेल आइकन है इसे ज़रूर दबाएं, जो आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मुफ्त मिल सके और मेरे वीडियो मुफ्त में आप देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदि के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न आउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।